हेलो माय लवली फ्रेंड्स, आई एम अभिलाषा एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है ब्यूटी अभिलाषा। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपनी कुछ ड्रेसेस जो मैंने फिलहाल ही मंगवाई है और दोनों ही फ्लिपकार्ट की है। और आप भी जानना चाहते हो ना कि वो दोनों ड्रेस कैसी है। ये गाइस, आप सभी लोग को पता है कि विंटर सीजन आ रहे हैं और इनफैक्ट अभी भी थोड़ी थोड़ी मुझे ठंडी लग रही है। सो, चलिए उसी के अकॉर्डिंग मैंने कुछ आपके लिए और अपने लिए मैंने यहाँ पे एक जैकेट और एक जींस मंगवाया है। थंबनेल में तो आपने देख ही लिया होगा, बट आपको अगर पूरी डिटेल इसकी अच्छे से देखनी है तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं कोई भी ड्रेस लेती हूँ ना तो उसे अच्छे से वेयर करके आप लोग को दिखाती हूँ ताकि आप लोग को और अच्छे से पता चल पाए कि वो ड्रेस कैसी आई है। एंड फ्रेंड्स, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो ना तो प्लीज़ बेल बटन जरूर दबा दिया करिए। बेल बटन दबाने के साथ ही साथ ना आप लोग जरूर लाइक किया करिए। आप लोग का एक लाइक ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट सारे यूट्यूबर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम लोग जो इतनी मेहनत करते हैं ना, आप जब एक लाइक कर देते हो ना तो हमें और जज्बा मिल जाता है कि चलो और अच्छी अच्छी वीडियो बनाया जाए। सो गाइज, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी, मैं भी खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोग से अपनी जैकेट और जींस आप लोग से शेयर करने के लिए। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने यहाँ पे दो ड्रेस बाई की है। चलिए सबसे पहले मैं आपको जींस दिखा देती हूँ कि वो कैसी आई है, फिर मैं आपको जैकेट भी साथ ही साथ दिखाऊंगी। और मैं यहाँ पे इस दोनों की हॉल करने वाली हूँ, सो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा। चंचन, सो गाइस ये है जींस, चलिए इसे फटाफट से ओपन कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है मेरी जींस, आप देख सकते हो, एंड ये पीपल ब्रांड की है और इसमें मेरा साइज है 28। इसकी काफ़ी सारी साइज अवेलेबल है, आप चाहो तो बाई कर सकते हो। और पीपल ब्रांड मुझे बहुत अच्छा लगता है, इनफैक्ट मेरी एक जींस और भी है पीपल ब्रांड की, उसकी फैब्रिक मुझे बहुत अच्छी लगी है। आप देख सकते हो मैंने इसे बाई किया है अराउंड 499, सो मुझे प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी रिसीव हो गई है और डील ऑफ द डे की मतलब मैं फैन हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये जींस कितनी प्यारी आई है ना, और इसकी बहुत सारी साइज अवेलेबल है, आप चाहो तो बाई कर सकते हो। कि मैं लेंथ आपको दिखा देती हूँ, लेंथ भी इसकी काफ़ी अच्छी है। और गाइज, ये एंकल जींस नहीं है, आप चाहो तो इसे एंकल बना सकते हो, मैंने इसे लॉन्ग भी थोड़ा लिया है। बहुत अच्छे से ये जींस फिट आ जाती है और एकदम परफेक्ट फिटिंग देती है आपको। अगर आप किसी ब्रांड की जींस मंगवा रहे हो ना तो प्लीज़ आप अपने साइज से एक साइज थोड़ा छोटा ही मंगवाया करो। मैंने यहाँ पे 28 मंगवाया जो कि मुझे बहुत अच्छे से फिट आ गई है। और गाइज, आप देख सकते हो ये कितना स्ट्रेचेबल है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है ये। आप देख सकते हो ये कितनी स्ट्रेचेबल है, एकदम कंफर्टेबल जींस है। मैं इसका आपको बैक साइड दिखा दे रही हूँ। बैक साइड से आपको दो पैकेट मिल जाएंगे। और ये बहुत ज्यादा मैंने वो एक्सीडेंटल जींस टाइप के मैंने नहीं मंगवाया, बहुत ज़्यादा सिंपल मंगवाया। यहाँ पे दो आपको पैकेट रिसीव हो जाएंगे। इनफैक्ट गाइस, पीपल ब्रांड जो है वो इसकी बहुत सारी रेंज आती है, इनफैक्ट इसकी टॉप जैकेट और जींस वगैरह बहुत आते हैं। गाइस, ये थी मेरी जींस, अब चलिए मैं आपको अपनी जैकेट दिखाती हूँ वो कैसी आई है। गाइस, ओवरऑल मुझे प्राइस के अकॉर्डिंग ना ये जींस बहुत बेटर लगी है, आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। सो गाइस, ये है मेरा जैकेट, मैंने इसे भी ओपन कर लिया है, अब चलिए ये कैसी आई है देख लेते हैं। और ये जैकेट जींस वाली जैकेट जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है ना गाइज, ये जैकेट आपको फुल स्लीव्स में मिल जाएगी और आप इसको किसी भी टॉप के साथ भी वेयर कर सकते हो, बस बहुत ज़्यादा जब ठंडी आए तब इसे एकदम नहीं पहनिएगा। गाइज, ये वुमेन डेनिम जैकेट है ये, और इसमें मेरा साइज है स्मॉल। इसमें मुझे ज़्यादा कुछ तो अच्छा नहीं लगा है, बट इसके जो स्लीव्स के पास फ्लावर लगे हुए हैं ना वो मुझे अट्रैक्टिव लगे थे, तभी मैंने इसे बाई किया था। मैं इसका फ्लावर आपको अच्छे से दिखा देती हूँ, ये आप देख सकते हो, और देख रहे हो फ्लावर भी कहीं कहीं से निकले हुए हैं। सो मुझे इसकी क्वालिटी ठीक ठाक लगी है, उतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी है। इनफैक्ट मैं सोच में डूबी हुई हूँ कि मैं इसे रखूँ या रिटर्न कर दूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। ओवरऑल गाइज, अगर मैं प्राइस की इसकी बात करूँ तो 499 में है ये, सो प्राइस के अकॉर्डिंग तो सही है। और इसकी बहुत सारी डिज़ाइन और कलर अवेलेबल है, आप चाहो तो बाई कर सकते हो। इनफैक्ट इसकी काफ़ी सारी जो कलर है और साइज़ है ना, आउट ऑफ स्टॉक ही रहती है। तो फाइनली मुझे ये अच्छी लगी थी, इनफैक्ट मुझे इसकी एम्ब्रॉयडरी काफ़ी अच्छी लगी थी पूरे जैकेट में, तो मैंने इसे बाई किया था। और क्वालिटी ठीक ठाक ही है, क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं है, आपको नीचे से ये कटा हुआ मिल जाएगा। और बटन की क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो अच्छी है,
बट ये उतना भी ज़्यादा मोटा नहीं है जितना ज़्यादा आपको वीडियो में दिख रहा होगा, ठीक ठाक है। अगर आप इसे अपने टॉप के साथ वेयर करना चाहते हो तो रख सकते हो, उतनी भी ज़्यादा बकवास नहीं है ये। मैं सोच रही थी विंटर नज़दीक आ रहा है तो मैं कुछ अपनी ड्रेसेस कलेक्ट कर लूँ ताकि मैं विंटर में पहन सकूँ, बट मुझे नहीं लगता है कि ये विंटर में मेरे लिए सही हो सकता है। हाँ सही इस दौरान हो सकता है कि आप अगर एक हाईनेक पहनो और उसके ऊपर से ये डाल लो तो अच्छी लगेगी, बट आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं इसे रखूँ या ना रखूँ, क्योंकि अच्छी तो लग रही है, क्योंकि ये ड्रेस और इस टाइप की जैकेट ना फोटोजेनिक होती है। सो अगर आपको बाई करनी है तो आप देख लो बाई करनी है कि नहीं। आप देख सकते हो इस जैकेट की लेयर काफ़ी अच्छी है और आप अंदर से इनर डाल के पहन सकते हो, और एम्ब्रॉयडरी तो इसकी वाकई अच्छी है ही, बस एम्ब्रॉयडरी ही मुझे इसकी अच्छी लगी है। और फ्रेंड्स मैंने जो भी जींस और ये जैकेट दिखाया ना, ये आप जेंटली मशीन वॉश भी कर सकते हो और हैंड वॉश भी कर सकते हो, तो वॉश करने में कोई दिक्कत नहीं है। और ये लाइट ब्लू कलर की जैकेट है तो कलर शायद नहीं निकलनी चाहिए इसकी, बट कोई नहीं, मैं जींस और जैकेट दोनों वेयर करके आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी लग रही है। और आपको पता है ना, जब तक मैं ये दोनों जींस और जैकेट पहन के आती हूँ तब तक जो व्यूअर्स मेरे चैनल पे अभी नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन ज़रूर दबा दिया करिए। तो चलिए मैं इसको पहन करके आती हूँ और आपसे मिलती हूँ। हे एवरीवन, मैंने इसको वेयर कर लिया है, जींस और जैकेट दोनों, और कॉम्बिनेशन तो मुझे वाकई बहुत अच्छी लग रही है। आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। एंड जींस की मैं जितनी भी तारीफ करूँ ना कम है, बहुत ही मतलब लाइट वेट है और पहनने पे एकदम कंफर्टेबल है। आप इसे आराम से अपने पैर को फोल्ड कर सकते हो और आराम से कहीं भी बाहर जा रहे हो ना तो इसे पहन सकते हो, बहुत कम्फर्टेबल है। और अगर मैं जैकेट की बात करूँ तो ये भी कम्फर्टेबल है, आप देख सकते हैं कि मुझे थोड़ी लूज भी आ रही है, बट जैकेट थोड़ी थोड़ी लूज होती है ना। और आप चाहो तो बटन लगा करके रख सकते हो या सिर्फ ऐसे फोल्ड कर सकते हो, आपको जैसे वेयर करना है आप उस अकॉर्डिंग इसको वेयर कर सकते हो। आपको जैकेट अगर अच्छी लग रही है ना तो आप चाहो तो ले सकते हो, और कमेंट करना है ना कि मैं जैकेट को रखूं या ना रखूं, वैसे फोटो में तो मुझे अच्छी लग रही है और इसकी कलर कॉम्बिनेशन अच्छी लग रही है ना जींस के साथ इस जैकेट की। गाइज आपको कैसे लगे प्लीज कमेंट करके बताइएगा। एंड आज का मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक जरूर किया करिए, और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और मैं कैसी लग रही हूँ ना कमेंट एकदम किया करिए।